तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चीज़ें शेयर की जाएं आप लोग के साथ कि हाँ, कि मेरा वर्क फ्लो क्या है और कैसे मैं वर्क करता हूँ और क्या चीज़ें। तो बेसिकली इस वीडियो में शॉर्ट में चलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट 3 या 4 गिटार्स कौन से हैं जो आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन में, विदाउट प्लेइंग लाइव गिटार। काफ़ी रियलिस्टिक साउंड है, काफ़ी अच्छे साउंड से हम वो सारे साउंड्स के प्रीसेट्स को सुनेंगे, काफ़ी अच्छा साउंड करता उसको हम सुनेंगे, और थोड़ी सी उसके बारे में जानेंगे कि हम उसमें क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो और बेटर साउंड करे हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है कॉन्टैक्ट का ही है, सैम्पल लाइब्रेरी है जो कि नाम है एवोल्यूशन स्टील स्ट्रिंग्स। ये बहुत अच्छा एकुस्टिक गिटार है। इसकी जो साउंड है मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत नेचुरल, बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड स्वीट साउंड है। इसमें मैंने सस्टेन पैडल का यूज़ किया है। बट इसको और ज़्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें विंटेज वालहाला का रिवर्ब डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके साथ ये साउंड कुछ ऐसा हो जाता है रिवर्ब के साथ। ये देखो इस सॉन्ग में यूज़ हुआ है। ये हमारा पहला गिटार है जो कि आप इसको प्ले करके बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे स्ट्रमिंग पैटर्न्स, कॉर्ड, सारी चीज़ें। मैं बस इसकी साउंड्स बता रहा हूँ आज, बाकी हम इस पर एक प्रोग्राम करके भी एक वीडियो बनाऊँगा। दूसरा है नैलोन गिटार है, नैलोन स्ट्रिंग का, एम्पल गिटार्स की तरफ से, एम्पल गिटार लूथर। ये बहुत अच्छा नैलोन स्ट्रिंग गिटार है। नेचुरल साउंडिंग गिटार है ये, और इसमें मैंने कोई सेटिंग यूज़ नहीं कर रहा, बस यहाँ पे सस्टेन मैंने ऑन कर रखा है, और इसमें प्रीसेट्स आते हैं बहुत सारे, तो मैंने माई ड्रीम यूज़ कर रखा है। इसमें थोड़ा रिवर्ब एंड एफेक्ट्स यूज्ड है, काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। तीसरा जो मेरा फेवरेट गिटार है वो है कॉन्टैक्ट का ही पिक्ड एकुस्टिक। ये भी बहुत अच्छा, इसमें आप लूप्स भी, प्लकिंग लूप्स यूज़ कर सकते हो और आप प्ले भी कर सकते हो। बहुत अच्छी साउंड है, बहुत अच्छे इसके टोन्स है, बहुत अच्छे प्रीसेट से, काफ़ी ओपन साउंड करता है ये। सुनते हैं इसका, सॉरी। पिक्ड एकुस्टिक है, इसमें बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स मिल जाएंगे, लोड लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप प्रोग्रामिंग के लिए गिटार्स यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग रियल गिटार। और हमारा फोर्थ जो मेरा फेवरेट जो है वो है स्ट्रमिंग के लिए, स्ट्रम एकुस्टिक। ये स्ट्रमिंग पैटर्न कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी है जिसमें आपको बस कॉर्ड्स को प्ले करने हैं और स्ट्रमिंग ये खुद ही करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक ए माइनर कॉर्ड, जस्ट मैं प्ले करूँगा, यहाँ पे स्ट्रमिंग चलेगा।
आपने। तो इसमें क्या है कि आपको अपने सॉन्ग्स के हिसाब से आपको गिटार्स चूज़ करने पड़ेंगे। इसमें भी इतने सारे गिटार्स के पैटर्न्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं बेसिकली ये। तो इसमें बेसिकली आप कोई भी पैटर्न चूज़ करके और अपने ही अपने गाने के टोन के हिसाब से, अपने गाने के कॉम्पोजिशन, अपने गाने के अरेंजमेंट के हिसाब से अगर फिट होता है तो उसको आप कर सकते हैं। आपको गिटार प्ले करने की ज़रूरत भी नहीं है विदाउट एनी माइकिंग टेक्निक्स, और आपको गिटार प्ले करने की ज़रूरत भी नहीं है, माइक लगाओ और ये लगाओ वो लगाओ, झंझट ही ख़त्म। सिंपल आप प्ले करो, कॉर्ड्स बजाओ और सिंपल अपने गाने में गिटार प्ले करो। तो गाइज़ ये था मेरे कुछ फेवरेट जो गिटार्स हैं, और भी बहुत सारे बट मैं इन चारों का ही यूज़ करता हूँ बस, और मुझे ये बहुत पसंद है। बाकी मैं और डिफरेंट डिफरेंट VSTs के टोन्स को, प्रीसेट्स को रिव्यू करूँगा, हम सुनेंगे उसको कि कैसा है, और कुछ प्रोडक्शंस भी करेंगे, कुछ डिकन्स्ट्रक्शंस भी करेंगे। तो स्टे ट्यून विथ माई चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा देना अगर कोई मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि मैं रेगुलर होने वाला हूँ इस चैनल पे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।